आपसी भाईचारे एवं सामाजिक समरसता के लिए मंडी के कांग्रेसियों ने भी गांधीगिरी करते हुए एक दिन का उपवास रखा। मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से देश एवं प्रदेश में सामाजिक समरसता एवं सद्भावना को आघात पहुंचा है। उन्होंने कहा कि विगत 4 सालों में असामाजिक तत्वों ने शांति व्यवस्था को बिगाड़ने एवं आपस में फूट डालकर लोगों को लड़वाने का काम किया है, जबकि सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनहीन नीतियों के कारण पूरा देश हिंसा की भेंट चढ़ गया है, जिसमें कई बेकसूर लोग भी मारे गए हैं और सरकार एवं आमजन की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि द्वेष की भावना से जगह जगह देश के महापुरुषों की प्रतिमाओं को खंडित करने का प्रकरण सामने आ रहा है, साथ ही अप्रत्यक्ष जनादेश मिलने के बावजूद भाजपा उसका सम्मान करने में नाकाम रही है और निरंतर लोकतांत्रिक एवं मानव अधिकारों का हनन करती जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह के आह्वान पर सोमवार को उपवास रखकर अहिंसा एवं शांति कायम करने के लिए जनता से अपील की। आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन था, जो एक हमारा एक सामूहिक उपवास था, जो हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी के आह्वान पे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आह्वान पे जिला कांग्रेस कमेटी ने आज मंडी में किया, तो इसका जो सामूहिक उपवास का जो मेन हमारा जो मकसद था वो था कि आज देश सांप्रदायिक हिंसा से, जातीय हिंसा से और अराजक तत्वों से भरा पड़ा है। आज हमारे देश की जो संपत्ति है वो जलाई जा रही है, अराजक तत्व पूरी तरह से हावी है और जो कि बेकसूर लोग हैं वो इसमें मारे जा रहे हैं। हमारा इस विषय में ये कहना है, जो हमारा जो राष्ट्रीय जो हमारी प्रतिमा है, जो हमारे नेताओं की जो आदर्श नेताओं की है, उनको तोड़ा जा रहा है और एक देश में उन्माद पैदा किया जा रहा है और एक डर का वातावरण, भय का वातावरण तैयार किया जा रहा है। उसके हित में हमको कोई भी इसमें निर्णय केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर नहीं। ज्ञापन हमने डीसी साहब के माध्यम से दिया और ज्ञापन हमने इसमें ये भी दिया जी, जो हमारे जो यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है जो बीजेपी का, भाजपा का, तो ऐसा उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत करी। एक तो सर्किट हाउस उन्होंने ऐसा बना दिया जैसे उनका कार्यालय है, बीजेपी का कार्यालय है, और बाकी सार्वजनिक संपत्ति पे उनके भाजपा के झंडे झूल रहे हैं और यहाँ बिजली बोर्ड के कर्मचारी, आईपीएच के कर्मचारी और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी उनके कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। इस बारे में हमने डीसी साहब को बोला और गांधी बुद्ध के जो प्रतिमा है उसके आसपास भी उन्होंने झंडे लगाए हैं, जबकि वहां पहले से ही फुलवारी है और वहां पे नेताओं के उन्होंने वहां पे होल्डिंग लगाए हुए हैं। तो हमारा डीसी साहब से हमने आग्रह किया कि उन चीजों को जो प्रतिमा के किनारे लगाई गई है, झंडे लगाए गए हैं, जो उन्होंने होल्डिंग वगैरह लगाए गए हैं, उनको शीघ्र वहां से निकाला जाए, नहीं तो हमको वो खुद निकालना पड़ेगा। इस बारे में हमको आशा है कि डीसी साहब इस बात को समझेंगे और उनको वहां से रिमूव करेंगे।